Hey guys, welcome back once again to my YouTube channel. And guys, आज की हम वीडियो में बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में. सो एक ये टैग लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि भाई होटल मैनेजमेंट कर ले, बहुत स्कोप है. मैंने तो बहुत सुनी है. आई मीन दोस्त लोग बहुत कहते हैं कि भाई एक दूसरे को बोलते हैं होटल मैनेजमेंट कर ले, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है. और बाद में कुछ लोग रियलाइज करते हैं भाई तेरे कहने पर होटल मैनेजमेंट कर लिया, हम तो बर्बाद हो गए. तो भाई इसके पीछे कितना सच है और कितना झूठ है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री. और मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट्स द रियल ट्रुथ बिहाइंड दिस होटल इंडस्ट्री. सो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, माय नेम इज अभिलाष एंड आई एम अ शेफ बाय प्रोफेशन. राइट नाउ आई एम इन यूके एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन कलिनरी आर्ट्स मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बर्मिंघम. ओके, लेट मी टेल यू सम लिटिल बिट बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस होटल इंडस्ट्री. सो जो होटल इंडस्ट्री होती है उसके चार मेन डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस. फ्रंट ऑफिस कौन सा डिपार्टमेंट है, जो कि एक वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है, जो कि रिसेप्शन का एरिया होता है, जो कि आपने हर छोटे मोटे या बड़े होटल्स में देखा होगा. उनका मेन काम होता है गेस्ट से इंटरेक्ट करना. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द गेस्ट, लाइक उनके रूम्स बुकिंग, रिजर्वेशंस एंड एवरीथिंग, एंड देन शोइंग देम अराउंड द होटल, टेलिंग देम अबाउट एवरीथिंग अबाउट द होटल. सो उनका मेन वर्क होता है. उसके बाद जो सेकंड डिपार्टमेंट आता है वो है एफ एंड बी सर्विस, जो कि आपने देखा होगा, जो कि वेटिंग स्टाफ होता है, लाइक वेटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, मैनेज जो एफ एंड बी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ये एफ एंड बी सर्विस के अंदर आते हैं, जो कि रेस्टोरेंट को मैनेज करते हैं. लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो लाइक डूइंग वेटिंग सर्विस एंड देन रिस्पॉन्सिबल फॉर बुफे सर्विसेज एज वेल और टेबल क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. जितना भी पूरा क्लीनिंग के रिगार्डिंग उनका काम होता है वो एफ एंड बी सर्विस का डिपार्टमेंट होता है टू हैंडल द रेस्टोरेंट. तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होटल की क्लीनिंग के लिए, स्पेशली जो रूम गेस्ट रूम्स होते हैं, गेस्ट रूम एरियाज जो होते हैं, और जो कि गेस्ट के रूम्स को कैसे मेंटेन करना है, बेड बनाना एंड यू नो लाइक वॉशरूम क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, पूरा का पूरा सेटअप. जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो आप अपने देखा होगा कि जो रूम होता है कितने प्रॉपर तरीके से क्लीन होता है, बेडशीट प्रॉपर तरीके से लगी होती है, लाइक यू हैव सम एमिनिटीज इन द रूम. तो वो सारा काम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का होता है. उसके बाद जो चौथा डिपार्टमेंट होता है, जो कि यू कैन कॉल लाइक ए बैकबोन ऑफ द होटल इंडस्ट्री, इज लाइक अ किचन डिपार्टमेंट. फूड प्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, जिसके अंडर में शेफ्स आते हैं. तो ये डिपार्टमेंट अगर आप जाते हो तो आप शेफ बनोगे. अब बहुत लोग बोलते हैं कि होटल इंडस्ट्री बहुत बेकार है एंड इंडस्ट्री में आने के बाद लाइफ बर्बाद हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये वो. देखिए, हर इंडस्ट्री के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं. आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए, कुछ भी आप अपने करियर के रिगार्डिंग चूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप या तो दूसरों को देखोगे कि भाई ये इंसान डॉक्टर बना है, ये इतने पैसे कमा रहा है, इसका करियर इतना अच्छा हो गया, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है कि आर यू इवन कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर. क्या आप 10 साल तक, 11 साल तक इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, इतनी डीप स्टडी कर सकते हो कि आप डॉक्टर बन जाओ, प्लस इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या आप कैपेबल हो उस चीज़ को? तो आपको तभी उस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए. और यही रीजन है लोगों को पता नहीं होता इंडस्ट्री के बारे में, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज. वो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि इसको अपने करियर प्रोफाइल को चूज करने के लिए, और अपने अंदर का टैलेंट नहीं को नहीं देखते, ठीक है. और दूसरों को देखे दिखाया या दूसरों को देखते हो कि भैया ये इंसान तो शेफ बन गया है, या तो सेलिब्रिटी शेफ है, ये तो बहुत बड़ा शेफ है, इसके इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, इसने ये कर लिया, या फिर ये होटल का मैनेजर बन गया. तो उसको देखा दिखाई लोग इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं. या लोग एक मिथ और भी है कि लोग कहते हैं कि भैया कि इस इंडस्ट्री में पढ़ाई इतनी नहीं है तो बहुत आसान है, तो कुछ नहीं हो रहा तो एक काम कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो. अरे भाई, ऐसे नहीं होता, तुम अपने करियर का दाव लगा रहे हो, राइट. सो अगर तुम मान लो आसान समझ के तुम इस इंडस्ट्री में घुस भी जाओ, 3 साल तुमने अपनी इंडस्ट्री में डिग्री करी, बट उसके बाद क्या, उसके बाद एटलीस्ट तुमको काम तो करना है ना, राइट. देन यू विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज. तो फिर वो क्या, लोग क्या करते हैं कि भाई 3 साल उन्होंने वहां पर काम किया एंड देन दे विल लीव दैट करियर, वो किसी और इंडस्ट्री में घुस जाते हैं. जो स्टूडेंट मेरे साथ में पढ़े थे, मैंने जहां से डिग्री करी है वहां से भी अभी अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट आउट ऑफ 100% एटलीस्ट 60-70% लोगों ने ऑलरेडी इंडस्ट्री छोड़ दी है और वो कुछ और इंडस्ट्री में, कोई मैनेजमेंट में घुस गया है, कोई मार्केटिंग में घुस गया है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है. सो दैट्स हाउ इट हैपन्स अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इंडस्ट्री. सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे आपको जॉब मिलती है वंस योर डिग्री इज कंप्लीटेड. तो या तो दो लेवल्स होते हैं, या तो आप एंट्री लेवल पे प्लेसमेंट में जाते हो, या फिर किसी होटल का एमटी प्रोग्राम होता है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. तो वंस यू कंप्लीटेड विद दैट प्रोग्राम, आपको 2 या 3 पोजिशन ऊपर एंट्री लेवल से आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है. अब बात यहाँ पे आती है भैया, जो एंट्री लेवल है वो भी क्लियर करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है. हर किसी की जॉब नहीं लग पाती, इवन आफ्टर डिग्री करने के बाद भी लोग बैठे रह जाते हैं कि भाई हमारी जॉब नहीं लगी, इतना डिफिकल्ट है. आई मीन इंडिया में इस इंडस्ट्री को इतना प्रोफेशन माना नहीं जाता, फिर भी इतना डिफिकल्ट है कि आपको एंट्री लेवल के लिए भी कम से कम 4 से 5 लेवल ऑफ इंटरव्यूज से आपको गुजरना पड़ता है. आई डिड दैट.
ठीक है, और फिर भी उसमें सैलरी पैकेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि यू नो लाइक हाँ जो स्ट्रगल किया है वो वर्थ हो. लाइक स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी 15-16 से 16 हज़ार के करीब होगी, वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, जितनी बड़ी सिटीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, और बाकी मैनेजमेंट एमटी जो लेवल है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. उसमें उसके आपके 6-7 यू नो लाइक लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं. सो अगला जो डिसएडवांटेज है वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स. सो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू वर्क लॉन्ग आवर्स, और वीकेंड्स पे भी आप काम करते हो, और जितने भी फेस्टिव सीजन्स होते हैं उन पे भी आप काम ही कर रहे होगे, सब लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, देन यू विल बी वर्किंग. और लॉन्ग आवर्स तो होती हैं, यू नो लाइक मिनिमम लाइक यू कैन गो एक्सपेक्ट लाइक 10 आवर्स से लेके 15, 16, 17, 18 घंटे तक भी जा सकता है. मैंने करी है 18-18 घंटे की शिफ्ट व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया. ओके, एंड देन इट्स एक्चुअली लाइक अ पुलिस जॉब. जैसे पुलिस को हर यू नो लाइक फेस्टिवल सीजन हर जगह पे काम करना पड़ता है, लाइक पुलिस इज आउटसाइड फॉर द प्रोटेक्शन, तो उसी तरीके से हम लोगों को भी भैया पूरे दिन काम वहाँ पे काम करना पड़ता है, स्पेशली यू नो लाइक ओकेजन्स पे जहाँ पे हमको भी, हम भी चाहते हैं कि हमको ऑफ मिले, लाइक सब सब चाहते हैं कि लाइक दे शुड स्टे विद द फैमिली, बट यूजली शेफ्स एंड यू नो लाइक होटल इंडस्ट्री पीपल दे आर वर्किंग. तो अगला जो डिसएडवांटेज है वो है कि आपका नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑफ्स. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, तो उसमें भी आपका ऑफ कैंसिल हो जाता है. यूजुअली एक ऑफ मिलता है पर वीक में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो भी कभी कभी कैंसिल हो जाता है, देन यू हैव टू गो एंड वर्क ऑन दैट शिफ्ट. और अगर मैं शिफ्ट्स की बात करूँ तो यूजुअली क्या होता है कि शिफ्ट्स या तो डिफरेंट काइंड की शिफ्ट होती हैं, या तो आपकी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होगी या फिर आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी जो कि मिडनाइट तक चलती है कभी कभी, या फिर आपकी मिडनाइट शिफ्ट होगी जिसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, या फिर ब्रेक शिफ्ट होगी जिसमें क्या होगा आप सुबह जाओगे थोड़ा सा 1-2 घंटे का बीच में ब्रेक होगा, देन यू विल बी देयर अंटिल नाइट. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू यू नो लाइक लैक ऑफ स्टाफ या कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो आपने रात तक शिफ्ट करी एंड देन उसके बाद आपको सुबह बुला लेंगे, आपको बोलेंगे आपको 6 बजे आना है या 7 बजे आना है 8 बजे आना है, तो उसमें क्या हो गया आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाया, प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाई, तो उससे एक लाइक मेंटल स्ट्रेस भी होता है थोड़ा बहुत. सो इट्स नॉट लाइक अ 9-to-5 जॉब. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 9-to-5 जॉब हो तो भैया ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आप कोई और इंडस्ट्री में जाइए. दूसरा इश्यूज़ इंडिया में थोड़े ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ स्टाफ होता है. कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करती. दे थिंक लाइक कि भाई एक इंसान है वो 2-3 इंसान का काम कर लेगा, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, प्लस ओवर टाइम नहीं मिलता. बाहर ऐसा नहीं है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में आपको आप 1 घंटा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करेंगे आपको उसका ओवर टाइम मिलेगा. तो इसलिए बाहर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा स्टाफ भी हायर करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो ओवर टाइम उस बंदे को देंगे तो उनके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है. ठीक है, तो इस वजह से वो एक प्रॉपर स्टाफ भी मेंटेन करके रखते हैं. और जब हम इतने सारे डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो एज यू कैन सी लाइक देर इज़ नो सोशल लाइफ एट ऑल. ठीक है, सो डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट दैट आर यू इवन केपेबल टू टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस टू कम टू दिस इंडस्ट्री. अगर आपको आपका पैशन है कुकिंग में ये है, तो आपको स्ट्रगल देखो करना पड़ेगा. अगर आपको एक प्रॉपर शेफ बनना है या आपको किसी होटल इंडस्ट्री में ऊपर तक ग्रो करना है तो यू हैव टू स्ट्रगल. ठीक है, ये इनिशियल स्टेजेस हैं, एवरीवन गोज थ्रू दीज स्टेजेस. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं, इट्स नॉट लाइक यू कैन जंप. आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो भैया आप रेस्टोरेंट खोलो डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, जो कि स्किल्स आपको काम करके ही आ सकती हैं कि अगर वो रेस्टोरेंट को प्रॉपर तरीके से कैसे रन करना है. तो अब बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस के बारे में. तो गाइस, इंडस्ट्री ये इतनी बुरी भी नहीं है जितनी या लाइक जितना स्ट्रगल इसमें है. आई गेट इट, हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल होता है, लेकिन इतनी बुरी भी इंडस्ट्री ये नहीं है. इस इंडस्ट्री के भी अपने काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. आप इस इंडस्ट्री में अगर आप इस इंडस्ट्री के बंदे हो तो स्पेशली अगर आप कलिनरी डिपार्टमेंट से हो, किचन डिपार्टमेंट से हो, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जा सकते हो. बहुत बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर जगह स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में स्किल वर्कर्स की बहुत रिक्वायरमेंट्स है. हर जगह स्किल वर्कर्स या लैकिंग ऑफ इवन हेयर इन UK, यहाँ पे बहुत सारे शेफ्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई जैसे आप लोगों को देखते हो शेफ्स वगैरह बड़े बड़े शेफ उनसे इंस्पायर होते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी. आप जंप नहीं कर सकते चीज़ों के रिगार्डिंग, राइट? यू विल बी देयर बट यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. इस इंडस्ट्री के थ्रू आप गल्फ कंट्रीज में भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो. गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, और प्लस आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हो, इवन आप US भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, देर आर ऑप्शंस फॉर द पीपल यू नो लाइक जिन्होंने डिग्री खत्म करी है कुछ, उनके मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं कि आप इवन USA में जाके भी आप काम कर सकते हो. एक और एडवांटेज इसका ये है कि भैया आप कभी भूखे नहीं बैठोगे. अगर आपने स्किल सीख ली, यू नो हाउ टू कुक, राइट, तो आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ कर ही लोगे. ठीक है, दूसरा एडवांटेज इस इंडस्ट्री का ये है कि भाई यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू आर मीटिंग द सेम पीपल एवरी डे. डेली न्यू चैलेंजेस होते हैं डेली. अगर इफ यू आर किचन इंडस्ट्री में हो तो यू गेट टू कुक डिफरेंट थिंग्स एवरी डे.
अगर कोई नया मेन्यू डेवलप हो रहा है या कोई न्यू फंक्शन है, कोई न्यू पार्टी है, उनके लिए कोई न्यू डिफरेंट चीज़ आपको बनानी है, तो इट्स लाइक डिफरेंट थिंग. यू कीप एक्सप्लोरिंग, यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द थिंग्स एंड इट्स रियली अ गुड थिंग. और जो एक और एडवांटेज है इस इंडस्ट्री का वो है मनी वाइज. इंडिया में इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिलती हैं, बट एक सर्टेन लेवल पे जाके अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव शेफ या हेड शेफ या सू शेफ के लेवल पे हो, और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हो, लाइक 5-star लग्जरी प्रॉपर्टी या फिर किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आप अपनी सैलरी लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. 2-3 lakh तक भी जाती है एग्जीक्यूटिव शेफ्स की सैलरी, ठीक है. और बट उससे नीचे के लेवल्स की सैलरी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, एंड देन स्टिल दे आर वर्किंग लाइक 15-16 hours एंड यू नो लाइक एंड गेटिंग पेड दैट मच लेस विदाउट ओवर टाइम. बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो आपको ऑब्वियसली ओवर टाइम मिलता है. अगर आप यूजुअली 40 hours से ज़्यादा काम करते हो, तो जितने भी आवर्स एक्स्ट्रा जॉब के जाते हैं पर वीक, आपको उसका डबल ओवर टाइम मिलता है. प्लस सैलरी भी अच्छी होती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, यू गेट योर अर्निंग्स. सो गाइज, ये वीडियो मैंने किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये करियर आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है. आर यू इवन कैपेबल टू डू दीज मैनी थिंग्स और नो? आई एम डूइंग इट. मैं कैपेबल हूँ और मैं यहाँ पे हूँ. यू कैन टेक माई एग्जाम्पल. तो जाहिर सी बात है कि भाई इतनी बुरी ये इंडस्ट्री नहीं है. स्ट्रगल होता है, हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल है. आई हैव बीन डूइंग इट, आई एम स्टिल डूइंग इट, और आगे भी मुझे करना है इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो. सो हर इंडस्ट्री की यही कहानी है. तो कैसे आपको डिसाइड करना है आपके करियर के बारे में, वो आपके ऊपर है. सो कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज गैदर करिए, ठीक है. इंटरनेट पे सोर्सेज इतने सारे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, कितने सारे रिसोर्सेज हैं. किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, पहले उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह क्या सारी चीज़ें, रिव्यूज़ सारा कुछ चेक करने के बाद ही डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर. दैट्स ऑल इन योर हैंड. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, और मे बी आई ट्राई टू मेक अनदर व्लॉग और समथिंग. सो गाइज, डू चेक आउट माई चैनल. आई मेड सम रियली गुड वीडियोज एंड सम ऑफ द वीडियोज आर रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री. एक दो वीडियोज मैंने बनाई है जो कि मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में. इफ यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल, गो एंड चेक इट आउट. और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ के बारे में बनाऊँ. अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ कि भाई इंडिया से कोर्स करना बेटर है या बाहर से कोर्स करना बेटर है, कहाँ से हमको स्टडी करनी चाहिए, कहाँ पे हमको जॉब के लिए देखना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सो प्लीज़ पुट दैट इन अ कमेंट बॉक्स, एनी सजेशन. सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक. और साथ ही साथ अगर आप यूके आ रहे हैं, तो अगर आपको एकोमोडेशन रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है, सो आई विल पुट द लिंक बिलो इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And then you can go to the website of Amber Student. Amber Student is one of the leading company over here who take care of the accommodation for students. I mean, like unke tie-up hain, jitne bhi student accommodations hain yahan pe. And then it's like a one platform, unka pura ek one dashboard hai. You can get to know all the student accommodation around this area or any accommodation in the UK. And bahut hi easy platform hai. The link will be in the description box. You can go and check it out over there and it will be easy for you. I hope this video is going to help you out in your career. And I'll see you next time with another video. So thank you so much. Until then, bye-bye.